हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होगा और उसकी सैलरी के बारे में। इस वीडियो में आपका बात करेंगे कि समीक्षा अधिकारी और साथ में सहायक समीक्षा अधिकारी जो सैलरी मिलेगी इन एंड वो आपकी कितनी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों पता होगा, देखिए जो आपका प्री का एग्जाम होने जा रहा है आरओ एआरओ का, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो आपका नवंबर में होने जा रहा है और पूरी संभावना है जो आपका मेंस होगा वो होगा आपका मार्च के आसपास में। तो यानी दोस्तों जो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी वो आपका जून जुलाई 2025 के आसपास में आपको इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। यानी दोस्तों हो सकता है, देखिए अभी वर्तमान में अगर हम डीए की बात करें तो ये आपका 50% है और दोस्तों हो सकता है, देखिए इसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग मिले आपको तो डीए जो आपका बढ़कर और आपका ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो हम बात करें वर्तमान के हिसाब से कितनी सैलरी आपकी बनती है। और साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी के लिए पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो, चाहे दोस्तों आपका निबंध का हो, ठीक है, चाहे आपका जीएसओ प्रियम और आपकी मुख्य परीक्षा के लिए, या आपका सामान्य हिंदी हो, चाहे प्री के लिए चाहे मेंस के लिए पत्र लिखना अगर आपको होता है, अगर यह कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर पर आप मैसेज करिए तो हमारे नोट्स से समझ सारी जानकारी आपको इस नंबर पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ये दोस्तों बात होगी आपकी नोट्स की। अब दोस्तों हम बात करते हैं सैलरी की। पहले हम दोस्तों बात करेंगे आपका आरओ की, यानी कि समीक्षा अधिकारी जो सैलरी मिलेगी इन एंड वो आपको कितनी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए आपको पता होगा जो आरओ जो पोस्ट है वो आपकी राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट है, राजपत्रित अधिकारी की, और साथ ही दोस्तों ये आपकी ग्रेड बी की पोस्ट है। लेकिन जो आपकी एआरओ होती है वो आपकी ग्रेड सी की पोस्ट होती है। और साथ ही दोस्तों जो आपकी पोस्ट है आरओ, ये आपकी लेवल 8 की पोस्ट है, लेवल 8 की। ठीक है, अब दोस्तों हम पहले हम बात करते हैं आपका पे स्केल के बारे में कि जो इसका पे स्केल होता है वो आपका कितना होता है पे स्केल। ठीक है, अगर दोस्तों इसके हम पे स्केल की बात करें आपका, तो दोस्तों वो रहता है आपका 47,600 से लेकर के 1,51,000 तक। ठीक है, ये आपका पे स्केल होता है आरओ का। फिर दोस्तों हम बात करें ग्रेड पे की, तो दोस्तों जो इसका ग्रेड पे होता है यानी जीपी, तो वो दोस्तों वो होता है आपका 4,800 रुपये। ठीक है, और हम इसकी बात करें आपका बेसिक पे की, जो ये दोस्तों आपको बनेगा 47,600 बनेगा आपका बेसिक पे। ठीक है, ये आपका बेसिक पे हो गया 47,600। अब दोस्तों हम बात करें इस पर डीए की, यानी कि आपका महंगाई भत्ता हो गया डीएनएस अलाउंस, तो दोस्तों ये जो आपकी वर्तमान में आपका 50% है दोस्तों, देखिए जो आपका डीए निकलता है वो निकलता है आपका बेसिक पे का 50%। जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी होती है उसका 50%, यानी कि 47,600 का 50% अगर हम करेंगे यानी इसमें 200 भाग दे तो दोस्तों ये बन के आपका आएगा 23,800 रुपये। तो ये हो गया आपका डीए। ठीक है, फिर हम बात करें डीए के बाद, फिर आपको बात आती है एचआरए की, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। तो दोस्तों देखिए अगर आपको सरकारी आवास नहीं मिलता है तो दोस्तों एचआरए जो मिलता है आरओ को वो मिलता है आपका 5,620 रुपये। ठीक है, अगर आपको सरकारी आवास मिल जाएगा तो फिर आपको एचआरए नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों साथ में हम बात करें आपका सचिवालय भत्ते की, कि जो सचिवालय भत्ता होता है वो कितना मिलता है, तो दोस्तों ये होता है आपका सचिवालय भत्ता 1,300 रुपये। इसका दोस्तों आपकी देखिए इन सबको अगर हम जोड़ दें, बेसिक पे को, डीए को, एचआरए को, साथ में आपका 1,370 भत्ता, इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो दोस्तों यहां से निकल के आती है आपकी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी निकल के आती है दोस्तों जो बनती है आपकी 78,320 रुपये। लेकिन दोस्तों ये जो दोस्तों आपको सैलरी होती है ये आपकी इन हैंड नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें कुछ आपकी कटौती होती है। जैसे दोस्तों एक कटौती आपकी होती है इसमें एनपीएस, ठीक है, जो कि दोस्तों आपका बेसिक पे और साथ में जो आपका डीए होता है उसका 10% जो आपका काटा जाता है। ये दोस्तों बाद में पता ही होगा आपको मिलता है, इसमें जितना आप काटा जाता है इतना आपकी सरकार इसमें इंक्लूड करती है, जब आपकी रिटायरमेंट होगी तो इतना आपको मिलता है। पहले लेकिन दोस्तों क्या होता था, आपको पेंशन मिलती थी, अब आपको पेंशन नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक पे पर डीए का 10%, यानी कि 47,600 और 23,800 का अगर हम 10% निकालेंगे तो दोस्तों ये निकल के आपका आएगा 7,140। ये आपकी कटौती होती है। और इसके साथ दोस्तों एक कटौती आपकी होती है जीआईएस, जो कि आपको होता है ग्रॉस इंश्योरेंस स्कीम होती है, इसके दोस्तों 210 रुपये कटते हैं आपके। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपको 4,15,37, यानी 7,350 रुपये इसमें से आपका माइनस होगा। फिर दोस्तों आपकी बनेगी नेट सैलरी, जो यानी इन हैंड सैलरी जो आपकी होगी फिर बनेगी नेट सैलरी, ये दोस्तों आपकी बनती है, यानी 78,320 में से हम 7,350 रुपये माइनस करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा आपका 71,015 रुपये। यानी कि इतने रुपए जो हों वो आपका इन हैंड सैलरी मिलेगी 71,015 रुपये। ठीक है,
यानी 70,000 से आपकी 1,015 ज़्यादा। तो दोस्तों दोस्तों अगर देखिए हम बात करें, अगर देखिए आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो दोस्तों देखिए इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है आपके। साथ में पता ही होगा ये एग्जाम निकालना जो आपका आसान होता है, इतना डिफिकल्ट आपका जो एग्जाम निकालना वो आपका नहीं होता, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सैलरी आपकी अच्छी खासी होती है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करें आगे आपकी आरओ के बाद हम बात करते हैं आपका एआरओ की। तो दोस्तों जो आपकी एआरओ की पोस्ट होती है ये दोस्तों आपकी होती है अराजपत्रीय, अराजपत्रित अधिकारी की पोस्ट होती है, जो कि आपका ग्रेड सी की पोस्ट है, ग्रेड सी की, और साथ ही ये आपकी लेवल 7 की पोस्ट आपकी होती है। अगर दोस्तों इसमें हम बात करें पे स्केल की, तो दोस्तों ये आपका होता है 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक, ठीक है, ये आपको होता है पे स्केल। फिर दोस्तों हम बात करें ग्रेड पे की, तो इसका ग्रेड पे आपका होता है 4,600, और साथ में जो आपका बेसिक पे की बात की जाए तो दोस्तों ये आपका होता है 44,900। यहाँ पर दोस्तों बेसिक पे आपका 44,900 होता है, और वहाँ पर आरओ में होता था आपका 47,600 रुपये, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम आगे चलें आपका, फिर हम देखते हैं बेसिक पे के बाद जो आपका आता है वो आपका आता है डीए। तो दोस्तों इसका जो डीए आपको होता है यानी बेसिक पे का 50%, तो इसका 50% अगर हम निकालेंगे तो ये निकल के आपका आएगा 22,450 रुपये, ठीक है। फिर दोस्तों आपको निकलता है एचआरए, जो दोस्तों यहाँ पर जो एचआरए दिया जाता है वो आपका 5,520 रुपये आपका दिया जाता है, ठीक है। और जो आपका आरओ में था वो 5,620 रुपये आपका था एचआरए। और दोस्तों एक होता है आपका सचिवालय भत्ता, सचिवालय भत्ता जो इसमें बताया था, देखिए दोनों में आपका 1,300 रुपये जो आपका दिया जाता है सचिवालय भत्ता, यहाँ भी 1,300 रुपये था और यहाँ भी आपका 1,300 रुपये है। अगर दोस्तों इन चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो दोस्तों बनेगी आपकी 74,170 रुपये, और इसमें भी आपकी कटौती होती है। कौन कौन सी होती है मैं बताया आपको, एक आपका जीआईएस कटता है जो कि आपका 210 रुपये, और दोस्तों एक आपका एनपीएस कटता है यानी कि आपका बेसिक पे और डीआई का 10% यानी 10% कटता है आपका, जो दोस्तों अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका 10% निकालेंगे तो दोस्तों ये कटेगा आपका 6,735 रुपये, और फिर इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बनता है आपका 6,945 रुपये। ये आपका इतनी कटौती आपकी होती है, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो दोस्तों जो आपकी नेट सैलरी निकल के आएगी वो दोस्तों आपकी आएगी 67,225 रुपये। यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए तो इसमें मिलेगी 67,225 रुपये सैलरी मिलेगी एआरओ में आपको, और आरओ मिलेगी आपकी 71,015 रुपये, जो दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आपकी पर्याप्त है। यानी कि इससे देखिए इससे ज़्यादा सैलरी तो कहीं आपको जल्दी नहीं मिलेगी, वो अलग बात है कि पीसीएस की जॉब हो आपकी, यूपीएससी की हो, और बाकी आप में देखूँ जितनी भी आपकी यूपी में जॉब है उनमें बहुत अच्छी जॉब है। एक दोस्तों फायदा इसका ये होता है कि इसमें जो पोस्टिंग देखिए या तो आपकी इलाहाबाद होगी या आपकी लखनऊ होगी, और कहीं आपकी पोस्टिंग नहीं होती है। तो दोस्तों साथ देखिए इतना कहना चाहूँगा, देखिए अभी भी आपके पास लगभग 6 महीने का समय है प्री एग्ज़ाम के लिए। अगर अभी तक भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी अब इतना समय आपके पास है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको नोट्स लेना है, निबंध लिखन की तैयारी करनी है, तो दोस्तों ये बता दिया नंबर, इस नंबर में व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।